सबसे पहले सुहानगी धान की, जो कि माद्री की भूमिका में थी इस शो में, आपको बता दूँ वो भी काफ़ी टैलेंटेड परफॉर्मर है और काफ़ी हॉट भी है रियल लाइफ में। आपको बता दूँ उनको काफ़ी सारे इंडियन टेलीविजन सीरियल में आपने जरूर देखा होगा। अब नेक्स्ट है शिखा सिंह, जो कि शिखंडिनी की भूमिका में थी इस शो में, वो भी रियल लाइफ में काफ़ी हॉट है। आपको बता दूँ कि 2020 में वो आपको तो माँ बनी है और वो उन्होंने कुमकुम भाव शो भी छोड़ दिया है और अपना ध्यान अपने निजी लाइफ पर ही व्यतीत कर रही हैं। वो भी काफ़ी टैलेंटेड और काफ़ी अच्छी परफॉर्मर है वो भी। नेक्स्ट है मानसी शर्मा, जो कि बालिका के कैरेक्टर में थी, काफ़ी अच्छी टैलेंट है ये भी। आपको तो इनकी भी शादी 2020 में हुई है और आपको तो ये भी काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस किया था शो में, काफ़ी हॉट एक्ट्रेस हैं ये भी। मल्लिका नायक, जो कि सुदेशना की भूमिका में, इनको अभी आप ये हैं चाहते में देखते होंगे, ये भी काफ़ी टैलेंटेड और काफ़ी अच्छा है। फोटो और हॉट फोटो अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर अपलोड करती है अपने फैंस के लिए। आपको बता दूँ कि काफ़ी अच्छा टैलेंट है ये भी इंडियन टेलीविज़न में। विभा आनंद, जो कि सुभद्रा की भूमिका में थे इस शो में, ये भी काफ़ी अच्छे फोटो अपने हॉट फोटो सोशल मीडिया पे अपलोड करती रहती है फैंस के लिए। काफ़ी अच्छा काम करके दिखाया था इन्होंने इस शो में। आपको बता दूँ काफ़ी सारे इंडियन टेलीविजन सीरियल में इन्होंने भी काम किया है। रिया दीप्सी, जो कि गांधारी की भूमिका में थी इस शो में, आपको तो ये भी काफ़ी अच्छा टैलेंट है इस सीरियल में, तो इन्होंने कमाल ही कर दिया था गांधारी कैरेक्टर में, काफ़ी अच्छा काम किया था इन्होंने। पल्लवी सुभाष, जो कि रुक्मणी के कैरेक्टर में थे इस शो में, आपको तो कि ये ज़्यादा दिन तक ज़्यादा बड़ा कैरेक्टर नहीं था इस महाभारत में, लेकिन काफ़ी अच्छा जितना भी परफॉर्मेंस था काफ़ी बढ़िया परफॉर्मेंस करके दिखाया था पल्लवी सुभाष ने। नेक्स्ट पूजा शर्मा, जो कि द्रौपदी की भूमिका में थी, आपको बता दो कि इनकी तो जितनी भी बात करें उतना ही कम है। जितना भी परफॉर्मेंस आपने देखा होगा द्रौपदी का, अब तक इंडियन टेलीविजन सबसे बेस्ट इन्हीं का है अब तक में। आपको बता दो कि काफ़ी उम्दा परफॉर्मेंस करके दिखाया था इन्होंने। शफाक नाज, जो कि कुंती की भूमिका में थी, काफ़ी हॉट एक्टर हैं ये भी रियल लाइफ में, काफ़ी सारे वेब सीरीज़ में काफ़ी हॉट सीन इन्होंने दिए हैं, जो कि आपने ज़रूर देखा होगा।